वोट से पहले ईवीएम की बड़े मुद्दे चल रहे थे जी, कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी 62 सीटें लेके दोबारा सत्ता में आ चुकी है, क्या अभी भी लगता है आपको कि ईवीएम जो है गड़बड़ चल रही है या फिर उन पर गड़बड़ी हो रही है? यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है जो वोटिंग करवाते हैं, सारा कुछ उन्हीं के हाथ में होता है। सो बहुत बार वोट से पहले और वोट के बाद भी लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी उन्हें क्रिटिसाइज करती है कि जो है ये, कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि ये तो इनसे मिले हुए, उनकी गवर्नमेंट है, उनके अंदर है, तो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन अब तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आ चुकी है, वोट भी सही से हो गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन, जो कि गवर्नमेंट के अंदर भी नहीं होता, तो आप मेरे को ये बताइए कि इनका जो काम इन्होंने किया है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है या नहीं, हमें उन्हें जो है थैंक यू कहना चाहिए? बीजेपी जो है लास्ट, अगर मैं बात करूं लास्ट स्टेट जो इलेक्शन हुए हैं, 6 से 7 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं जी जी, सारी की सारी सत्ता बीजेपी ने खोई है, खोई है। अगर ईवीएम उनके हाथ में होता, ईवीएम अगर गलत होता, तो क्यों वो अपनी 6 से 7 स्टेट खोती? मेरा जस्ट ये क्वेश्चन है सर। कहते हैं कि केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है, केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जितनी भी अनमोल चीजें हैं भगवान ने सारी फ्री बनाई है। माँ जब अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो प्यार फ्री होता है। तो हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कमरे आलम है। जी कमरे आलम जी, दिल्ली में किस जगह से हैं? दिल्ली में नहीं, मैं नोएडा से हूँ। अच्छा, नोएडा से आए हुए हैं। तो आप स्पेशली जो है केजरीवाल जी की शपथ सुनने आए थे? शपथ ग्रहण में आया था मैं जी। तो सर, आप एक चीज बताइए, आपने यहाँ पर केजरीवाल जी की शपथ आपने अटेंड करी जी, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर अच्छी लगी? सबसे ज्यादा जो इनका जात पात की राजनीति नहीं जी, इनके ओनली विकास की राजनीति है जी, ये सबसे ज्यादा अच्छा है देश के लिए भी जी। इसलिए कि भाजपा की नीति ये है, जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले से ही वहाँ हिंदू खतरे में आ जाते हैं, चुनाव खत्म होते ही हिंदू खतरे से बाहर हो जाते हैं जी। फिर जिस राज्य में चुनाव आते हैं उस राज्य में हिंदू खतरे में आ जाते हैं, चुनाव खत्म होते ही फिर वहाँ से हिंदू खतरे से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, चलिए, आपने इससे मुद्दे को जो है थोड़ा हिंदू और मुस्लिम कर दिया। नहीं, तो ये भाजपा की दृष्टि से जी, तो मेरा एक क्वेश्चन अंदर नहीं है, मेरा क्वेश्चन इसी पे है जी। वोट से पहले ईवीएम की बड़े मुद्दे चल रहे थे जी, कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी 62 सीटें लेके दोबारा सत्ता में आ चुकी है, क्या अभी भी लगता है आपको कि ईवीएम जो है गड़बड़ चल रही है या फिर उन पर गड़बड़ी हो रही है? नहीं, तो ये चीज जनता बोलती नहीं है, ये तो इनके नेता खुद बोलते हैं कि तुम किस कहीं पे भी बटन दबाओ ये डायरेक्ट फूल पे ही जाएंगे बोल। तो ये जनता बोले तो विपक्ष बोले उससे मतलब नहीं है, ये खुद ही बोलते हैं। मेनली तो विपक्ष की तरफ से ही आ रहा था, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये हरियाणा में, आप अभी पंजाब या हरियाणा चुनाव हुआ था, उसमें देख लो इनके एक नेता डायरेक्ट कहा था कि वोट कहीं भी डाल लेना जाएगा फूल पे ही, इसलिए चिंता की बात नहीं। बीजेपी जो है लास्ट, अगर मैं बात करूं लास्ट स्टेट जो इलेक्शन हुए हैं, 6 से 7 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं जी जी, सारी की सारी सत्ता बीजेपी ने खोई है, खोई है। अगर ईवीएम उनके हाथ में होता, ईवीएम अगर गलत होता, तो क्यों वो अपनी 6 से 7 स्टेट खोती? मेरा जस्ट ये क्वेश्चन है। वोट जनता वोट तो देती है, ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा है। अब यह है कि कुछ जगह ये ऐसा करते होंगे जी, क्योंकि ये खुद भी अपनी जुबान से कहीं कहीं बोल जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब 100 के 100% ये ईवीएम से ही होते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय गौतम है जी। संजय गौतम जी, किस जगह से आप? पुल प्रहलाद में बदरपुर पड़ता है। संजय जी, एक चीज बताइए मेरे को जी, जो हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है जो वोटिंग करवाते हैं, सारा कुछ उन्हीं के हाथ में होता है, तो बहुत बार वोट से पहले और वोट के बाद भी लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी उन्हें क्रिटिसाइज करती है कि जो है ये, कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि ये तो इनसे मिले हुए, उनकी गवर्नमेंट है, उनके अंदर है, तो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन अब तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आ चुकी है, वोट भी सही से हो गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन, जो कि गवर्नमेंट के अंदर भी नहीं होता, तो आप मेरे को ये बताइए कि इनका जो काम इन्होंने किया है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है या नहीं, हमें उन्हें जो है थैंक यू कहना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष संस्था है जी, लेकिन उसका चक्कर, उसका पब्लिक का कहने का या जो पार्टियां कहती है, वो इस वजह से कि उसका जो प्रमुख है और जो उसके दो साथी होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं जी, लेकिन उसमें आने के बाद
वो क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है तो ये हम अपेक्षा करते हैं कि वो निष्पक्ष काम कर रहे हैं। और रही बात अभी थोड़ी देर पहले वो ईवीएम वाली बात हो रही थी, ईवीएम वाली बात में मैं ये कहना चाहूंगा आपकी बात बिल्कुल सही है कि 6-7 राज्यों में सत्ता चली गई है, लेकिन उससे पहले जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे उससे पहले जो चुनाव थे उनमें ये मुद्दा उठा था। देखिए कोई भी चीज अगर शक के जरा से भी दायर में आ जाती है तो ये हमारी जो इलेक्शन कमीशन और जो हमारी सरकार है उसकी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो संशय को दूर कर दे। मैं किसी फेवर में नहीं हूँ, ईवीएम खराब नहीं है या है, लेकिन अगर किसी चीज पर जरा सा भी, क्योंकि ये 125 करोड़ की जनता से जुड़ा हुआ मामला है, अगर जरा सी शंका में आई तो ये ईवीएम के बारे में, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कोशिश करी थी बीच में के उन्होंने पार्टी वालों को बुलाया था कि आप आइए और देखिए इसमें कुछ नहीं हो सकता, मैं अपनी तरफ से इसमें नहीं कोई उंगली उठा रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ आता है, मुद्दा आता है तो ये हमारी इलेक्शन कमीशन का ये जो भी जो हमारा है निर्वाचन आयोग उसकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि वो हर तरह का संशय इस मामले में दूर करे। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अब दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आ चुकी है, यहाँ पर हैट्रिक हो चुकी है केजरीवाल जी की, बिल्कुल बिल्कुल सत्ता में आ चुके हैं और आज उन्होंने जो है शपथ भी ले ली है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जो इन्होंने गारंटी कार्ड बतौर साइन दिया था और या फिर इन्होंने जो मैनिफेस्टो अपना घोषणा पत्र लेके आए थे, सो उसमें इन्होंने कुछ बातें करी थी, मतलब कि जो फ्री की चीजें हैं वो वैसी चलती रहेंगी, उसके अलावा तो दिल्ली का पोल्यूशन, इस समय पोल्यूशन जो है काफी एक मेजर मुद्दा है दिल्ली के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। सो इन्होंने 2 करोड़ जो है पेड़ उससे ज्यादा लगाने की बात कही है, सेम टाइम पे इन्होंने जो हमारे गरीब लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं सो उनके लिए मकान की भी बात कही है, और इन्होंने जिस जगह वो रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में वहां पर जो है सड़कें हो गई, सीवर हो गया, सो इस तरीके की जो नॉर्मल सुविधाएं हैं वो भी देने की इन्होंने बात कही है। सेम टाइम पे इन्होंने जो है फीमेल्स के लिए मार्शल, मोहल्ला मार्शल की भी बात इन्होंने कही है। अगर बात करें जैसे हमारे जो सफाई कर्मचारी है जो सीवर में काम करते हैं, कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है, उनके लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए की घोषणा भी करी है। सो आप जो ये इन्होंने घोषणा करी है इनके गारंटी कार्ड में है, सो किस तरीके से देखते हैं यह चीजें पूरी हो पाएंगी फ्यूचर में? देखिए अब ऐसा है, मैं तो इसमें लाग लपट वाली बात नहीं करता जी, और ना मैं बढ़ा के कहना चाहता हूँ। हाँ ये जरूर है कि जो जितनी सरकारें आई हैं उसके मुकाबले में अगर मैं देखता हूँ तो इसमें काम हुआ है। ये इस बात को जीता जाता उदाहरण ये हमारे सामने एक अस्पताल है, लोकनायक अस्पताल। अच्छा। इसमें मैं 5 साल पहले भी बहुत आया हूँ, मतलब मैं तो काफी टाइम आया हूँ, 10-15-20 साल से आ रहा हूँ। जो सुविधा आज की तारीख में है, पब्लिक का इतना दबाव होते हुए कभी भी पूरी दवा फ्री नहीं मिली, और आज की तारीख में वहाँ टाइम जरूर लग रहा है। ये जरूर मेरी थोड़ी सी वो है कि आदमी के पास बहुत टाइम लगता है दवा लेने में, 4-5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन तसल्ली बख्श इलाज हो रहा है और दवा मिल रही है। इसीलिए उसी बात को लेके जब ऐसा परिवर्तन उसमें आया है तो ये पूरी उम्मीद है कि केजरीवाल जी ने जो आगे के 5 साल का अपना प्लान बनाया हुआ है वो पूरा होगा, क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड देख रहे हैं ना उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, सुधार हुआ है। जैसे बात करें कैमरा की, सीसीटीवी की, तो बहुत जगह लोगों के ये आरोप थे कि वो जो है बहुत जगह अभी पूरे नहीं हुए हैं, और हमने देखा था अपोजिशन भी इस पे एलिगेशन लगा रहे थे कि ये काम सच में ही पूरे नहीं हुए हैं। आप बात करें अगर अमित शाह जी ने भी पहले रैली करी थी तो उन्होंने भी बोला था कि हम तो भैया दूरबीन से ढूंढ रहे हैं, हमें कहीं पर मिल ही नहीं रहे, ना तो कैमरे मिले। सो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो काम अभी पेंडिंग है क्या वो आने वाले टाइम पे जल्दी प्रायोरिटी पे होंगे? बिल्कुल प्रायोरिटी पे होंगे। हुआ क्या था कि केजरीवाल जी ने जो मेन काम करे हैं जी, अस्पताल और शिक्षा को छोड़ दे, उसमें पिछले 2 साल में काम हुआ है, बाकी जो उनके और मुद्दे थे वो सिर्फ चुनाव से 3 महीने पहले फोकस में आए जी, तो वो उन्होंने काम शुरू कर दिया था। मैं तो ये कहता हूँ ना करने से, जैसे आपने सुना होगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना करने से कुछ ना कुछ करना अच्छा है, तो इसलिए वो पूरा नहीं हुआ था, शुरुआत हो चुकी थी, कुछ जगह वो लग गए, लेकिन मतलब उम्मीद है कि अब वो काम रफ्तार पकड़ेगा और वो पूरा होगा जी। एक चीज और है मेरी, जैसे कि बात करें अभी जो चुनाव हुआ है 70% उसमें जो वोट है हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका 70% वोट आम आदमी पार्टी को गया है, बिल्कुल। तो क्या आम आदमी पार्टी को इस बड़ी जीत में जीत दिलाने के लिए एक जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उनका एक बड़ा योगदान रहा है? उन्होंने पूरा पूरी तरह से वोट डाला जी, और उसके पीछे जो मुद्दा आपको बताइए सीएए का मुद्दा आया था जी, और सीएए का मुद्दा मैं एक तो निष्पक्ष नागरिक की लगातार बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसी उसमें कहूंगा तो आप समझेंगे कि किसी पार्टी में इस वक्त निष्पक्ष, उसमें यह था कि अगर कोई भी चीज कानून हमारा बन रहा है, राष्ट्र का कानून है, पार्लियामेंट से पास होकर आ रहा है, तो ये हमारी जो संस्था है जो लागू करने वाली है, जो हमारे गवर्नमेंट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको बता रहा हूँ, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि किसी भी नागरिक को या एक इतना बड़ा समुदाय जो कि बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो 15-20-22 करोड़ की आबादी है, छोटी मोटी आबादी नहीं है, उसके लोगों में अगर कहीं असंतोष पैदा हुआ है तो आपको उसको दूर करना। ये थे हमारे साथ दिल्ली के कुछ लोग जिनसे हमने बात करी, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हमने आपको लोगों के व्यूज
दिखाए, क्या उनकी थिंकिंग है, क्या वो सोचते हैं दिल्ली की गवर्नमेंट के बारे में और अदर पार्टीज के बारे में। तो आज की वीडियो को यहीं पर रैपअप करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वंदे मातरम।